हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज बाइनरी ट्री। तो अभी तक हमने, जैसे कि हम जानते हैं, जेनरिक ट्री में जैसे हमारे पास होता है जेनरिक ट्री, ठीक है। लेट्स से आई हैव अ जेनरिक ट्री 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, राइट। ये मेरा जेनरिक ट्री है। जेनरिक ट्री में क्या होता है खास बात की, दैट आई कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स, राइट। आई कैन हैव मैनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स, बट इन बाइनरी ट्री आई कैन हैव ओनली 0, 1 और 2। इधर आई कैन हैव 0 चाइल्ड, इधर आई कैन हैव नो चाइल्ड, और आई कैन हैव 1 चाइल्ड, और आई कैन हैव 2 चाइल्ड। बट इन जेनरिक ट्री, एज यू कैन सी, इट हैज 10 हैज 3 चाइल्ड, इट हैज 1 चाइल्ड, it has 3 child, it has 2 child, it has 2 child, it has 0 child, it has 0 child. So in binary tree you cannot have more than 2 child. मतलब कि binary tree में हमारे पास 2 से ज़्यादा child नहीं हो सकते। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो फिर 2 होंगे। मतलब कि 2 होगा, 1 होगा, या तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा binary tree कैसा होता है। जैसे कि 50, 30, 53, 60, 15 एंड लेट्स से 35। और ये हो गया हमारा 51, और ये हो गया मेरे पास, लेट्स से इसके पास कोई चाइल्ड ही नहीं है, ये हो गया मेरे पास 70, ठीक है। इसके हो गया 0 चाइल्ड, इसका हो गया 1 चाइल्ड, इसके 2, इसके भी 2, ठीक है। इसके तो 0 है, इसके भी 0 है, इसके 2, इसके भी 2। मतलब कि बाइनरी ट्री में क्या होता है, हमारे पास 2 चाइल्ड होंगे, या तो 1 होगा, या तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है, या तो फिर 0 चाइल्ड होंगे, ठीक है। ये होता है मेरे बाइनरी ट्री। अब हम डिस्कस करें तो कि बाइनरी ट्री का यूज क्या होता है। तो बाइनरी ट्री का मेनली हम यूज करते हैं, मतलब मान सकते हैं, जैसे कि ले लो मैथमेटिकल इनफिक्स ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। ये है मेरे पास ए प्लस बी इंटू सी, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ए प्लस बी, सॉरी मल्टीप्लाई बी इंटू सी। फिर से बताती हूँ, जैसे इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, ए प्लस बी इंटू सी का जो भी आंसर आएगा, राइट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, बाइनरी ट्री का। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसको, इसका वो कैसा दिखेंगे हम कोड। और एक और चीज है बाइनरी ट्री के बारे में, बाइनरी ट्री में कितने, बाइनरी ट्री की जब मैं क्लास बनाऊंगी तो मेरे पास कितने डेटा होंगे, क्या क्या चीज होगी। एक तो डेटा होगा, एक मेरे पास लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करने वाला लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक मेरे पास राइट पॉइंटर होगा, राइट। तो क्या 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 होगा मेरी नोड में, ये मेरी नोड है, इसमें इसका क्या क्या कंटेंट होगा। डेटा होगा लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करने के लिए लेफ्ट पॉइंटर, एंड राइट सब ट्री को पॉइंट करने के लिए राइट पॉइंटर, ठीक है। तो लेट्स कोड। ये मैंने बनाई है क्लास नोड, उसमें मेरे पास क्या क्या है, डेटा, एक नोड टाइप का पॉइंटर है लेफ्ट, और मेरे पास एक नोड टाइप का पॉइंटर है राइट, ठीक है। और ये बन गया मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन डी, नोड टाइप का पॉइंटर एल, नोड टाइप का पॉइंटर आर, ठीक है। तो मेरा डेटा में गया डी, अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर नल होगा तो एल की वैल्यू भी नल होगी और हम इसको लेफ्ट में असाइन कर देंगे, अगर और अगर मेरा राइट नल है तो मेरे आर की वैल्यू नल होगी तो मैं अपने राइट में नल असाइन कर दूंगी, राइट। तो ये क्या हो गया मेरा बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्टर। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री में होते हैं 2 चाइल्ड्स, राइट, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 1, 0 होगा, मतलब मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। बाइनरी ट्री का यूज क्या कर सकते हैं हम, तो फिर तो हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और हमने डिस्कस किया बाइनरी ट्री की नोड का कंस्ट्रक्टर। तो नोड में क्या क्या डेटा, क्या क्या चीजें होती है, एक तो डेटा होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई बाइनरी ट्री, we'll be discussing about its constructor in next video. So this was it for this video guys, hope you like the video, thanks for watching.